तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि सीमेंटेड बोर्ड पर पेंट कैसे किया जाता है। देखिए सेंटर में जो लगा दिख रहा है आपको, ये सीमेंट का बोर्ड बना हुआ है और जो फ्रेम इसका है वो लोहे का है। इसके ऊपर हमें पेंट करना है, कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दीवार पे भी आप इसी तरीके से पेंट कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही बताऊंगा मैं आपको, और इसके ऊपर वॉल पेंट ही करके दिखाऊंगा, बाकी आप कोई दूसरा पेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेम लोहे का है, बाकी ये बोर्ड लगा हुआ है, सीमेंटेड बोर्ड है ये। ये देखिए इस तरह का बोर्ड होता है, ये सीमेंट का जो बना हुआ होता है, ये देखिए इस तरीके का होता है यह बोर्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पर प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस पर हमें रेगमाल लगाना है। रेगमाल आप 150 नंबर या फिर 220 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लोहे पे भी लगा सकते हैं और बोर्ड पे भी लगा सकते हैं। बोर्ड पे लगाने से ये होगा कि डस्ट वगैरह जो लगी होगी वह पूरी साफ हो जाएगी। हल्का हल्का ही मारना है आपको, ज़्यादा मारने की जरूरत नहीं है। और फिर मारना है हमें इसके ऊपर प्राइमर। ये देखिए एशियन पेंट्स का ट्रू केयर वॉल प्राइमर है ये, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए 10 लीटर की पैकिंग है और इसकी MRP है 960 रुपये। बाकी इस छोटी पैकिंग भी आती है, 1 लीटर भी आता है, 4 लीटर भी आता है, 10 लीटर आता है, 20 लीटर की पैकिंग में आता है ये। इसमें लगभग आधा ही पानी मिक्स करना पड़ेगा आपको, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिक्स कर सकते हैं। इस प्राइमर को आप ब्रश से भी कर सकते हैं और रोलर से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीक़ों से इस प्राइमर को यूज किया जा सकता है। तो ये देखिए हमारे पास 4 इंच का ब्रश है, 100 mm इसके ऊपर लिखा हुआ है। कंपनी बहुत सी आती है मार्केट में, कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए पता नहीं कौन सी कंपनी है। और ये रोलर है हमारा, ये रोलर कपड़े वाला है, 9 इंची का रोलर है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे प्राइमर करने के लिए। प्राइमर हमारा पहले से बना हुआ है, ये देखिए इतना मोटा है ये, बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको पतला मोटा कर सकते हैं। जितना भी आपको मोटा पतला करना हो उस हिसाब से इसमें आप पानी मिक्स कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ब्रश से करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में आपको मैं रोलर से करके दिखाऊंगा। दीवार पे भी इसी तरीके से पेंट किया जा सकता है, प्रोसेस सेम ही होगा दीवार पे और इस बोर्ड पे करने का। ब्रश आप जैसे मर्जी चला सकते हैं, टेढ़ा चलाइए, सीधा चलाइए, जैसे मर्जी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारा कवर कर लेता है क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर पुट्टी भी करनी है, इसलिए ब्रश जैसे मर्जी आप वैसे मार सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रोलर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि रोलर से ये होता है कि फटाफट काम हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और फिनिशिंग भी रोलर की बढ़िया होती है ब्रश से। ब्रश से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ये देखिए रोलर को हमने बाल्टी में पूरा डुबो दिया है और उसके बाद में इसको निचोड़ के थोड़ा सा इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अगर आपको रोलर से करना है तो इसकी एक ट्रे भी आती है, आप ट्रे का इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बढ़िया है। बाकी बाल्टी से भी काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से फटाफट इससे काम हो जाता है रोलर से। बस अभी प्राइमर हो चुका है, अब इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद में हम पुट्टी करेंगे इसके ऊपर। पुट्टी में देखिए हमारे पास है एक्राइलिक वॉल पुट्टी, एशियन पेंट्स की ही है, बाकी कंपनियां और भी आती हैं। ये 1 kg की पैकिंग है और इसकी MRP है 112 रुपये। एक्राइलिक वॉल पुट्टी आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बिरला पुट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल वाइट होती है ये। करने के लिए एक हमारे पास है 4 इंची की पत्ती और एक है 6 इंची की पत्ती। अगर आपको वॉल पुट्टी इस्तेमाल करनी है, जैसे JK वगैरह इस्तेमाल करनी है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। जैसे हमारे पास है JK सीमेंट, JK वॉल मैक्स वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको बनाना पड़ता है, बाकी जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है वह रेडीमेड बनी हुई होती है। तो हम इसमें एक्रेलिक वॉल पुट्टी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमने पत्ती में ले लिया है इसको और फिर इस तरीके से इसके ऊपर खींचना है हमें। इसको ज़्यादा रोकना नहीं है, बस आपको पत्ती लगानी है और पूरा खींच देना है ताकि जो इसके बोर्ड के रेशे वगैरह हों उसमें यह पुट्टी चली जाए, बाकी टिकाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके ऊपर। इसके हमें 2 कोट करने होते हैं, बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं 1 या 2 कोट। 2 कोट में ये होता है कि प्रॉपर इसकी भराई हो जाती है बोर्ड की, बाकी आप सिंगल भी मार सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो इसी तरीके से इसके ऊपर
पुट्टी कर देनी है हमें। चलिए मैं इसकी पूरी पुट्टी कर लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। सिंगल कोट कर लिया है हमने, अभी हम इसके ऊपर डबल कोट करेंगे। देखिए इसी तरीके से इसके ऊपर हम डबल कोट कर देंगे। एक हाथ जैसे हमने ऊपर नीचे लगाया है तो दूसरा हाथ हम लेफ्ट और राइट में लगाएंगे ताकि इसकी नस पूरी भर जाए। इस तरीके से पुट्टी सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए हम 220 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल करेंगे इसमें, और इसको थोड़ा सा दबा के लगा देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हो सारी निकल जाए। बाकी आपको पता ही लग जाएगा, ऊंचा नीचे जहाँ पर होगा वहाँ पर आप उसी हिसाब से रेगमाल मार सकते हैं। उसके बाद में हम डायरेक्ट ही इसके ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे। पेंट में देखिए हमारे पास है ये एस एडवांस एक्सटीरियर इमल्सन है। ये बाहर होता है वैसे तो, लेकिन हम इसको अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। बाकी आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं, जैसा भी आपको पेंट करना हो, सस्ता महंगा उस हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 1 लीटर में लगभग आधा लीटर तक पानी पड़ता है। बाकी आप पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी आप रोलर से कर सकते हैं और ब्रश से भी कर सकते हैं। इसमें आप कलर कोई भी बनवा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। देखिए हमारे पास हल्का सा पिंक कलर है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप कलर अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। सारे कलर मिल जाते हैं मार्केट में, सारे कलर कंप्यूटर से बन के मिलते हैं आपको। ये देखिए हल्का सा ही पिंक है, वाइट ही है लेकिन हल्की सी टोन आ रही है इसमें पिंक की, तो इसी को मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रश से करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको रोलर से करके दिखाऊंगा। दोनों ही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोलर वही हमारा है, इसको हमने साफ कर लिया है। जो पहले प्राइमर मारा था वो हमने पूरा धो लिया था इसको, जिससे कि ये पूरा साफ हो गया है। ये देखिए इस तरीके से आप ब्रश से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रोलर से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रोलर ही सजेस्ट करूंगा, बाकी अब आपकी मर्जी है। ब्रश से करना चाहते हैं ब्रश से कर सकते हैं, रोलर से करना चाहते हैं रोलर से कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें पेंट थोड़ा सा हमारा कम है, इसलिए रोलर भी नहीं डूब रहा है पूरा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे हम इसी पेंट से पूरे दरवाजे को पेंट। ये देखिए इस तरीके से इस पेंट के हमें 2 या 3 कोट करने होते हैं। अगर 2 कोट में फिनिशिंग आ जाती है, बढ़िया कवरिंग हो जाती है, तो 2 कोट में ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप तीसरा कोट भी लगा सकते हैं। ये कलर के ऊपर डिपेंड होता है, अगर आपका ज़्यादा कलर डार्क है तो उसी हिसाब से इसमें 3 या फिर 4 कोट भी लगाने पड़ सकते हैं। जब तक कि कलर की पूरी सेटिंग नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको मारते ही रहना है। ये देखिए इसमें हल्के हल्के से दाने पड़ते हैं, अभी दाने थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे हैं, सूखने के बाद में कम हो जाएंगे। अभी देखिए हमारा पूरा सूख गया है एक कोट। अब इसकी हम हल्की सैंडिंग कर लेंगे 320 नंबर रेगमाल से, ताकि इसमें जो दाने दोनों हों, डस्ट वगैरह लगी हो, वह साफ हो जाए। और फिर हम इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे उसी तरीके से। ब्रश से भी आप इसके ऊपर रोलर के ऊपर पेंट लगा सकते हैं, अगर आपका पेंट कम है तो। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर कोट अप्लाई कर सकते हैं। कोट लगाने के बाद में इसको कम से कम 2-4 घंटे तक छोड़ना पड़ता है, बाकी आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2-4 घंटे में पूरा कवर हो जाता है, सेट हो जाता है पूरा। अगर आप ज़्यादा छोड़ देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। कंपनी तो 6-7 घंटा देती है कि 6-7 घंटे के बाद में ही दूसरा कोट अप्लाई करें। ये देखिए वैसे तो ये तुरंत ही सूख जाता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सुखा के ही मारें, सूखने थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद में ही सेकेंड कोट अप्लाई करें बढ़िया फिनिशिंग के लिए।
तो अभी हमारा दूसरा हो चुका है, अब इसी तरीके से हम तीसरा कोड भी कर देंगे। ये देखिए जैसे जैसे इसको हम कर रहे हैं वैसे वैसे ही ये पिंक टोन पे इसकी लुक आ रही है, क्योंकि सिंगल कोड में वाइट ही दिख रहा था। है वाइट ही, ये हल्की सी इसमें टोन है पिंक की, तो उसी हिसाब से इसमें टोन आ रही है। ये देखिए ये देखिए इस तरीके के इसमें दाने होते हैं हल्के हल्के से। तो तीसरा कोट भी हमारा लग चुका है, तो ये भी फाइनल हो चुका है। अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप बोर्ड या फिर दीवार को पेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या सामान आपको लेके आना है। लोहे पर भी हमें पेंट करना है, लोहे में हम मेटैलिक ग्रे पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी आप कोई भी कलर ले सकते हैं। हम इसमें डायरेक्ट ही पेंट कर रहे हैं, बाकी आप प्राइमर मार लें अपने हिसाब से। मैं आपको बस दिखाने के लिए इसके ऊपर एक कोट पेंट का लगा देता हूं, बाकी प्राइमर मार के ही इसके ऊपर पेंट करना चाहिए लोहे के ऊपर। लोहे के ऊपर आप इनेबल पेंट भी कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा पेंट भी कर सकते हैं, पीयू पेंट कर सकते हैं, डिको पेंट कर सकते हैं, कोई भी पेंट कर सकते हैं इस पर। तो चलिए मैं इसको पेंट कर लेता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि छोटी हो जाए थोड़ी सी। तो अभी देखिए हमने पूरा पेंट कर लिया है, लोहे को भी पेंट कर लिया है मेटैलिक ग्रे, और ये बोर्ड को भी पेंट कर दिया है। बोर्ड अभी हमारा सूखा नहीं है पूरा, 2-4 घंटे लगेंगे सूखने में, तब इसकी फिनिशिंग दिखाई देगी बढ़िया आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया है, या फिर अगर आपको वॉल पेंट करना है तो आपको क्या क्या सामान लाने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले हमारा है ये प्राइमर है, ये ट्रू केयर एशियन पेंट्स कंपनी का वॉल प्राइमर है। आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। ये वाइट ही होता है और इसकी MRP 10 लीटर की है 960 रुपये। ये पुरानी पैकिंग है, रेट अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये प्राइमर हो गया हमारा, और ये देखिए ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी है। इसको हम पुट्टी के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने बिरला पुट्टी कर दी है या फिर POP हुई है तो उसके ऊपर हम इसका एक्रेलिक वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं। रेगमाल हमारे पास 220 नंबर और 320 नंबर का होना चाहिए। और ये देखिए पत्ती है, एक हमारे पास है 4 इंची की पत्ती और एक है 6 इंची की पत्ती। और पेंट करने के लिए आप रोलर ले सकते हैं, ये देखिए ये 9 इंची का कपड़े वाला रोलर है हमारा। और आप ब्रश भी ले सकते हैं, ब्रश 4 इंची का है हमारे पास। और ये देखिए हमारे पास है GK वॉल पर इस्तेमाल करना होता है हमें पेंट करने से पहले। और पेंट हमारे पास है एस एडवांस्ड, ये देखिए एस एडवांस है। ये घर के अंदर और घर के बाहर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो ये घर के बाहर के लिए बना होता है, लेकिन हम घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के अंदर भी। तो ये देखिए अभी हमारा प्रॉपर सूख चुका है, 4-5 घंटे हो गए हैं इसको किए हुए, देख सकते हैं हम बिल्कुल सूख गया है। और इसकी फिनिशिंग देखिए आप, हल्के से इसके ऊपर दाने दाने से हैं, डिजाइन बना हुआ है, बाकी सारा इसका कलर सेट है। 3 कोट हमने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।